लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के दौर में दंगल जैसी फिल्में देखकर लगता है मानो बॉलीवुड में खुले दिमाग के लोग रहते हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाओं की तरक्की की कहानियां बताई जाएं, उनके जज्बे और हिम्मत के किस्से लोग जानें। लेकिन क्या बॉलीवुड का यह चेहरा असली है? आज जो कहानी बताने जा रहे हैं, उसे पढ़कर आप बॉलीवुड को धिकारेंगे। इस कहानी का खुलासा सोशल मीडिया पर चल रहे मीटर टू कैंपेन के दौरान हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार जेहरा काजमी ने इस बारे में ट्विटर पर खुलकर लिखा है। उन्होंने माधुरी दीक्षित से जुड़ा किस्सा याद करते हुए लिखा, एक ट्रेस माधुरी दीक्षित से प्रेम ग्रंथ मूवी में जबरदस्ती एक सीन करवाया गया। यह महिला की इज्जत से जुड़ा सीन था। जेहरा काजमी ने लिखा, मैंने रेडियो पर इस बारे में सुना। एक्टर अनु कपूर ने बताया कि फिल्म में माधुरी दीक्षित को वे हसीन विलेन रंजीत के साथ करना था। माधुरी राजी नहीं हो रही थी, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि ये सीन तो होकर रहेगा। इसके बाद फिल्म क्रू के सामने पूरे सीन को फिल्माया गया। माधुरी दीक्षित इस सीन के दौरान बेहद असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। आखिरकार यह सीन पूरा हुआ और डायरेक्टर समेत पूरे फिल्मी क्रू ने माधुरी और रंजीत के लिए तालियां बजाई। इस सीन के दौरान माधुरी पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी। सीन के दौरान रंजीत को माधुरी पर हावी होना था। हैरानी की बात ये भी, इस सीन को एक आम भारतीय परिवार में साथ देखना मुश्किल था। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने इसमें काट छांट नहीं की। इस सीन के साथ फिल्म प्रेम ग्रंथ रिलीज हुई और सुपरहिट रही। यह सीन सबसे ज्यादा चर्चा में भी आया।